परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमान छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया है बिहार के दरभंगा जिले के किसानों ने। इन किसानों ने आत्मा दरभंगा के सहयोग एवं मार्गदर्शन से समूह के द्वारा कृषि में नवीनतम तकनीक यानी पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की खेती कर राज्य के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। समूह द्वारा जो ये खेती जो हुआ है और हमको बीज जो बीज मशीन दो ये पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन आत्मा द्वारा जो स्पॉन्स ये किसानों के लिए जो मिला है खेती करवाने के लिए, ये जगह जगह हम करवा रहे हैं और ये कर रहे हैं और जो है सो ये सारे चीज़ जो आत्मा द्वारा ही जो हुआ है बहुत फ़ायदा हुआ है सर। जैसे समय का बचत और मजदूर नहीं मिलने पर जैसे बहुत सारे किसान को जो है सो खेत वैसे के वैसे रह जाते हैं, तो ये पैडी ट्रांसप्लांटर से जो है जो दो आदमी तीन आदमी जो मिल के अपना या परिवार के जितने भी हैं वो मिल के कर सकते हैं। इस यंत्र द्वारा कम समय में पंक्तिबद्ध तरीके से एक चटाई के रूप में धान के विशेष रूप से तैयार किए गए बिछड़ों की रोपाई की जा सकती है। एक रोपाई मजदूर एक दिन में करीब 500 वर्ग मीटर में रोपाई करता है, जबकि पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से एक दिन में 4 एकड़ क्षेत्र में रोपाई की जा सकती है। इससे लगभग मजदूरी पर 20 व्यक्ति प्रतिदिन प्रति हेक्टेयर, लागत में 1500 रुपये प्रति हेक्टेयर की कमी और पानी की 10% तक बचत होती है। 20 दिनों के पौधों की सही समय पर रोपाई हो जाती है। जड़ों में कम क्षति के कारण बीमारी की कम संभावना रहती है। ये मशीन हम लोगों को आत्मा द्वारा दिया गया है, किसानों को खेती करना और अपने भी खेती करना और साथ में करवाते रहना, इसके लिए हम लोगों को प्रेरित किया गया है, प्रशिक्षित किया गया है और हम लोग किसानों को खेती करवा रहे हैं। इसमें किसानों को मजदूर 2500 रुपया जो एक बीघे के लेते हैं वो इसमें हम लोगों को करीब 1000 रुपये में ही काम हो जाती है और पानी का भी बचत है। जो मजदूर द्वारा रोपा जाता है धान उसमें पानी ज़्यादा लगता है और इसमें कम पानी में। कुल मिलाकर देखा जाए तो पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की खेती करना कोई कठिन कार्य नहीं है। जरूरत है दृढ़ निश्चय और मन में लगन की।